हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, इंडिया में एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए सेंट्रल पूल कोटा की सीट रिजर्व होती है। इसमें पांच प्रकार का सेंट्रल पूल कोटा होता है। कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जिनमें सर्विस कर रहे कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीट रिजर्व होती है। इसके अलावा 10 ऐसे स्टेट हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं होने के कारण अदर स्टेट के मेडिकल कॉलेज में उनकी सीट रिजर्व होती है। सेंट्रल पूल कोटा का बेनिफिट कौन कौन से स्टूडेंट उठा सकते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट इलिजिबल हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ कॉलेज वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और स्टेट वाइज कितनी सीट रिजर्व हैं और ऐसे कौन से 10 स्टेट्स हैं जिनके कैंडिडेट का कोटा अदर स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रिजर्व है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि आप चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, मगर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। मेरे द्वारा हर वीडियो में स्टूडेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है। बाकी काफी सारे चैनल भी मेरे वीडियो की नकल करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सेंट्रल पूल कोटा में ये पांच प्रकार की सीट रिजर्व हैं। तो सबसे पहले हम सिविल टेररिस्ट विक्टिम्स की बात करते हैं। तो जो सिविलियन आतंकवादियों से पीड़ित हैं उनके लिए एमबीबीएस की सेंट्रल पूल कोटा की सीट रिजर्व है। इसमें चार सीट रिजर्व हैं। इस प्रकार के कैंडिडेट का नॉमिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है। इन कैंडिडेट के लिए जो टोटल चार सीट रिजर्व हैं, बिहार में एक, केरला में एक और छत्तीसगढ़ में दो सीट, टोटल चार सीट रिजर्व हैं। तो इस प्रकार से ये चार सीट रिजर्व हैं इसमें। इसके बाद में हम बात करें तिब्बतन रिफ्यूजीज एंड नेशनल ब्रेवरी अवार्ड की। जिन कैंडिडेट्स को, जिन स्टूडेंट को नेशनल अवार्ड मिल रखा है उनके लिए दो सीट रिजर्व हैं और जो तिब्बतन रिफ्यूजीज हैं उनके लिए एक सीट रिजर्व है। इनका नॉमिनेशन जो किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा किया जाता है तिब्बतन रिफ्यूजीज के लिए। इसके अलावा जो ब्रेवरी अवार्डेड स्टूडेंट हैं उनका नॉमिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है इसमें। तो इस प्रकार से इनकी टोटल तीन सीट रिजर्व हैं, एक तिब्बतन रिफ्यूजीज के लिए है और दो सीट जो ब्रेवरी अवार्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए दो सीट रिजर्व हैं इसमें। अभी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जिन बच्चों के पेरेंट्स डिफेंस जैसे आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी इत्यादि के अलावा जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर एसएसएफ, रा, एआरसी डिपार्टमेंट, एसपीजी के अंडर आते हैं या फिर मिशन स्टाफ पोस्टेड एब्रोड में हैं तो उनके लिए सीट रिजर्व हैं। तो आइए देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज कितनी सीट रिजर्व हैं और वो कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में हैं। तो सबसे पहले हम डिफेंस की बात करें जिसमें आर्मी पर्सनल आते हैं, तो इसमें एमबीबीएस की टोटल 35 सीट्स हैं और बीडीएस की 3 सीट्स हैं। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग फॉरेन स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए इसमें 46 सीट हैं और बीडीएस के लिए 3 सीट हैं। इसी डिपार्टमेंट में, इसी मिनिस्ट्री में जो इंडियन मिशन स्टाफ पोस्टेड एब्रोड में है एमबीबीएस की 5 सीट हैं इसमें। इसके बाद में हम बात करते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री की जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर आते हैं एमबीबीएस की, इसमें 5 सीट हैं और जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर एसपीजी में पोस्टेड हैं उनके वार्ड्स के लिए 1 सीट है इसमें। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरीट की टोटल 6 सीट हैं और बीडीएस की 1 सीट है इसमें। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें होम अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की पैरामिलिट्री फोर्सेज की, जिसके अंडर एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह आती हैं, तो इसमें एमबीबीएस की टोटल 23 सीट्स हैं और बीडीएस की 3 सीट्स हैं। अब हम बात करेंगे इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एमबीबीएस बीडीएस के लिए सेंट्रल पूल कोटा सीट पर अगर आप इलिजिबल हैं तो एडमिशन कैसे लें। दोस्तों, सेंट्रल पूल कोटा में एडमिशन नीट स्कोर पर ही होता है। मई में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लेटर जारी कर दिया जाता है। नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद जिन कैंडिडेट के पेरेंट्स, जो मैंने ये डिपार्टमेंट बताए हैं ऊपर, जिनमें वैकेंसी बताई है, सीट बताई है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसएफ,
एसपीजी और भी काफी सारे डिपार्टमेंट हैं, तो उनमें अगर इनके पेरेंट्स सर्विस करते हैं तो उनको अपने ही डिपार्टमेंट के एजुकेशन सेक्शन में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट उनके डिपार्टमेंट द्वारा मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नीट स्कोर, नीट एडमिट कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट डिपॉजिट करनी होगी। उसके बाद कंसर्न्ड मिनिस्ट्री द्वारा नीट स्कोर के मेरिट बेस पर काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसमें प्रायोरिटी के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होता है। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी में जिनके पेरेंट्स मिलिटेंट एक्टिविटीज में खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। सेकंड प्रायोरिटी में जिनके पेरेंट्स डिसेबल्ड हो जाते हैं एक्शन में और उसको बोर्ड आउट कर दिया जाता है सर्विस से, उनको सेकंड प्रायोरिटी में लिया जाता है। थर्ड प्रायोरिटी में सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल आते हैं, यानी कि जिनके पेरेंट्स सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं वो इसमें आते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी में सभी का सिलेक्शन हो जाता है। इसमें सभी को एडमिशन मिल जाता है। थर्ड प्रायोरिटी में मेरिट बेस पर इसमें सिलेक्शन होता है। अब सेंट्रल पूल कोटा की J&K स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी सीट रिजर्व हैं, और इसके अलावा 10 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके लिए सीट रिजर्व हैं जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कौन से ऐसे 10 स्टेट हैं जहां पर गवर्नमेंट एंड डेंटल कॉलेज नहीं है, और उनके कौन कौन से स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कहां पर सीट रिजर्व है। तो ये 10 स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीप। तो ये इस प्रकार से 10 स्टेट हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज नहीं है और अदर स्टेट में इनको इनके लिए सीट रिजर्व है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेट की कौन कौन से स्टेट में सीट रिजर्व है और कौन से मेडिकल कॉलेज में सीट रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में BDS की 3 सीट हैं इन स्टेट्स में। इसके बाद में त्रिपुरा में BDS की 3 सीट्स हैं, वेस्ट बंगाल, UP और चंडीगढ़ में। इसके बाद बात करें हम नागालैंड की, तो नागालैंड में MBBS की अदर स्टेट में 40 सीट्स हैं। इसके अलावा BDS की 3 सीट्स हैं। इसके बाद में मिजोरम में BDS की 5 सीट है मिजोरम के कैंडिडेट्स के लिए अदर स्टेट में, और मेघालय में MBBS की 50 सीट्स हैं अदर स्टेट में, और BDS की 3 सीट्स हैं मेघालय के कैंडिडेट्स के लिए अदर स्टेट में, सेंट्रल पूल कोटा की MBBS BDS के लिए। इसके बाद सिक्किम की बात करें तो 4 सीट्स हैं MBBS की और 3 सीट्स हैं BDS की। इसके बाद में अंडमान निकोबार आइसलैंड में BDS की 2 सीट्स हैं, और इसके बाद लक्षद्वीप के कैंडिडेट्स के लिए अदर स्टेट में 4 सीट MBBS की हैं और 2 सीट BDS की हैं। इसके बाद में दमन एंड दीप में BDS की 2 सीट्स हैं अदर स्टेट में, हरियाणा और यूपी में। इसके अलावा दादर नगर हवेली में BDS की 2 सीट्स हैं अदर स्टेट में। तो इस प्रकार से ये अदर स्टेट का कोटा, सॉरी, इन स्टेट्स का कोटा अदर स्टेट में सेंट्रल पूल के थ्रू है। अब हम बात करें इसमें जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट के लिए कौन से कैंडिडेट के लिए कौन से स्टेट में सीट रिजर्व है सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू MBBS BDS की। जम्मू कश्मीर स्टेट से भी सेंट्रल पूल कोटा की अदर स्टेट में MBBS BDS के लिए सीट रिजर्व है। इसमें ये कंडीशन दे रखी है कि 3 प्रकार के ये कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व हैं। इसमें ये कैंडिडेट इसमें 3 प्रकार के कैंडिडेट इस सीट के लिए इलिजिबल हैं। ये जो 3 सीटें, सॉरी 4 सीट अवेलेबल हैं, ये पटना में 1, चंडीगढ़ में 1, न्यू दिल्ली में 1 और जयपुर में 1 सीट रिजर्व हैं J&K कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी सेंट्रल पूल कोटा के बारे में, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें इलिजिबल हैं, कितने कितने सीटें इसमें, कितने प्रकार का कोटा है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ये एक इनिशियल जानकारी है, बाकी जानकारी आपको काउंसलिंग के टाइम पर दे दी जाएगी।
आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।